सो बेसिकली आई गॉट इन्वाइटेड टू दिस माइनक्राफ्ट एसएमपी, एंड यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ इवेंट था जिसमें कि हमें 4 दिन दिए जाएंगे प्रिपरेशन के लिए, एंड चौथे दिन हमारी एक एंड फाइट होगी ड्रैगन एग के लिए, एंड जिसके पास भी ड्रैगन एग आएगा वो टीम जीत जाएगी। एंड द रूल्स ऑफ दिस एसएमपी वर सिंपल, नेदरराइट आर्मर वॉज बैंड, एंड क्रिस्टल एंड रिस्पॉन एंकर्स वर बैंड, एंड ऑल्सो थॉर्न्स वर बैंड, बट हम नेदरराइट के टूल्स ले सकते थे, दैट मीन्स हम नेदरराइट के स्वॉर्ड पिकैक्स एंड एक्स बना सकते थे। एंड विद दैट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्या हाँ हाँ हो हाँ जल्दी मार। वन स्टार्ट। हाँ चलो पहले मरते हैं। चलो पहले मरते हैं। इधर आ इधर आ। अरे मार मुझे यार, मार मार। हाँ अबे कोई तो ये इनविजिबल है भाई, मेरा आधा टेक्सचर पैक में है। क्या बकवास है ये। चल आ जा आ जा उधर से। हम दोनों है। चलो यार। उसके बाद हमें फूड बहुत सादा चाहिए था, बिकॉज हमारा प्लान ये था कि हम एटलीस्ट 5 से 2000 ब्लॉक दूर जाके कोई विलेज ढूंढे, एंड फॉर आर लक हमारे आगे एक ओशन था जो कि हमें बहुत आसानी से मदद करेगा बहुत दूर तक जाने के लिए। हमने फटाफट से बोट बनाए एंड हम ओशन पे निकल गए एक विलेज को ढूंढने के लिए, एंड इवेंचुअली हमें एक विलेज मिला भी। इमेजिन ज़ॉम्बी विलेज हो। हाँ ऐसे बकवास। मेरे पास स्टिल एक स्टैट था। कहाँ है विलेज? मुझे नहीं दिख रहा। अरे इग्लू ढूंढने इससे अच्छा क्या करेगा उसका? अरे फिलहाल अभी ये कर लेता हूँ। चल ठीक है, विलेजर्स को ट्रैप करो पहले। सबसे पहले ओ भाई वो क्या टेरेन है ऊपर माउंटेन वाली, उधर बेस पर आएंगे। अरे कितनी ओपी है भाई, क्या जगह है। रुक चंक को 14 करो, बस अब ठीक है। विलेजर्स हां मेरे मतलब कितनी बड़ी है। हां एंड आफ्टर विलेज एंड आसपास की ट्रेन देखने के बाद हमें ये आइडिया है कि हम एक अंडरग्राउंड बेस बनाते हैं जहाँ पे हम विलेजर्स को ब्रीड करेंगे एंड अपने लिए सारी इंचांटमेंट्स एंड बाकी चीज़ें लेंगे। सो मीनवाइल मेरे टीममेट जब तक विलेजर्स का काम कर रहे हैं, मैंने एक एक्सपी फार्म बनाना शुरू करा एंड उसके बाद मैंने अपनी इंचांटमेंट करना शुरू करा। मैंने फटाफट से एक इंचांटमेंट रूम सेटअप करा। यहाँ पे एकदम पूरा डेजर्ट। ओ भाई रुक बुक देखते हैं क्या मैंने नहीं मिली। वेल एन्चेंटमेंट है वो तो सेटअप हो गया, एंड एन्चेंटमेंट करते करते मुझे एक ज़ॉम्बी विलेजर का साउंड आया, एंड कीप दैट ज़ॉम्बी विलेजर इन माइंड बिकॉज ये बंदा बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला था हमें इस वॉर को जीतने के लिए। एंड उसके बाद मैंने अपनी स्वॉर्ड को एन्चेंट करना शुरू कर दिया एंड मुझे अपनी स्वॉर्ड पे शार्प 4 भी मिल गई थी। देन उसके बाद मैंने इस ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर कर दिया। दूर है भाई, एक मिनट में ठीक है, मैं आके तेरे पास आ रहा हूँ। बोट में लेके बैठा है यहाँ पे विलेजर को, क्यों कैसे क्लेरिक बना दिया। एंड ये जो इसने ट्रेड दिए बहुत ज्यादा मदद करने वाली थी हमें इस वॉर को जीतने के लिए, बिकॉज ये रॉटन फ्लैश के बदले हमें एमरेट सेट करा था, एंड पूरे एसएमपी में एक ही चीज थी जिसके हमारे पास कमी नहीं थी, वो था रॉटन फ्लैश, क्योंकि मैंने अभी अभी एक ज़ॉम्बी एक्सपी फार्म बनाया था एंड उधर से मुझे बहुत सारा रॉटन फ्लैश मिल रहा था। एंड उसके बाद मैंने थोड़ा शुगर केन फार्म करना चाहा बिकॉज लाइब्रेरियन के लिए, वो बेसिकली पेपर्स के बदले हमको एमरेट्स देगा जिससे हम बुक्स खरीद सकते हैं उससे बाद में प्रॉट फॉर मेंडिंग एंड अनब्रेकिंग। एंड या मेरा शुगर केन फार्म थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा था, एंड जब तक मैं ये कर रहा था तब तक मेरे टीममेट्स ने सारे विलेजर्स को ब्रीड करा के इंचार्टमेंट सेटअप भी कर ली थी, तो अब हमारे लिए प्रॉट फॉर मेंडिंग और अनब्रेकिंग 3 का ईजिली इंतजाम हो गया था। एंड उसके बाद हमने एक आयरन फार्म भी बना लिया बिकॉज हमें आयरन की थोड़ी ज़रूरत भी थी, एंड मैंने नेक्स्ट दिन अपनी दो स्वॉर्ड भी मैक्स कर ली थी, एक मेरे लिए एक मेरे टीममेट के लिए। एंड जैसे मैंने अपनी लास्ट एन्चांटमेंट डाली वैसे ही एनविल भी ब्रेक हो गया। या दैट वाज अ कोइंसिडेंस। एंड एज यू कैन सी इन माय ईचेस्ट मेरे पास 3 स्टैक ऑफ गैपल्स थे, 2 सेट ऑफ आर्मर भी थे बट वो फुली मैक्स नहीं थे, बस उन पे एक सेट पे अनब्रेकिंग की कमी थी। एंड मेरे पास एक्सपी बॉटल्स थी जो कि मैंने ज़ॉम्बी विलेज से ट्रेड कर ली थी। एंड देन फाइट की वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है टोटम्स, हमने टोटम्स को ग्राइंड करने के लिए फटाफट से एक टोटम फार्म भी बना दिया। एंड आफ्टर मेकिंग द फार्म हमने फटाफट से बैड ओमेन ले लिया जिसमें बिल्कुल भी हमें 1 घंटा नहीं लगा था बिकॉज सर्वे क्रैश हो गया था। एंड उसके बाद मैंने थोड़ी देर तक उधर टोटम फार्म भी करे। एंड आफ्टर दैट फाइट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पोशंस। सो उसके बाद मैंने पोशन ब्रू करने स्टार्ट करे जो कि थे स्ट्रेंथ, स्पीड एंड इनविजिबिलिटी।
एंड आफ्टर ब्रूइंग पोशंस मैंने अपना एंडर चेस्ट का सारा सामान एक चेस्ट के अंदर रख दिया एंड उस चेस्ट को छुपा दिया बिकॉज मैं अपने एंडर चेस्ट में एक्स्ट्रा गियर रखने वाला था जो कि मुझे फाइट में काम आएगा एंड विद दैट आई वाज रेडी फॉर दिस वॉर। चल चल 4 मिनट में है बे, चल चल चल। अरे सुना, चल भाई चल 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 जल्दी आ जाओ। हो गया ना, प्रिपेयर हो ना सारे। 2 मिनट दे दो भाई, 2 मिनट दे दो प्लीज। अरे 2 मिनट तो जाने, 1 सेकंड दे दे बस। एक 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 आ जा। तो आफ्टर गिविंग माय टीममेट 2 मिनट्स एज ही सेड, हमने स्ट्रॉन्गहोल्ड की तरफ जाना शुरू करा एंड हमने डिसाइड करा कि हम नेदर के थ्रू जाएंगे बिकॉज हमें नेदर से बहुत ज़्यादा छोटा पड़ेगा स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ जाना एंड हमारे पास टाइम भी बहुत कम था एंड हमने स्ट्रॉन्ग होल्ड के कॉर्ड्स वॉर के एक दिन पहले ही ढूंढ लिए थे ताकि हमें बाद में ढूंढने ना पड़े। जल्दी अंदर आ इस पोर्टल के। इधर किधर, इधर पोर्टल। हाँ। इतना छुपा के चूतिए। अरे एंड पोर्टल है यार, सबको नहीं दिखानी। ओके कर दे। ओके डन। अरे एक मिनट, एंडर ओरियन 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 ओरियन। अरे आईज ऑफ एंडर को प्लेस कर। अरे एक सेकंड रुक यार, मैं मूत के आ रहा हूं। नहीं प्रेशर के चक्कर में आई हूं, रुक जाओ मैं बस एक आई प्ले। सारे पोशंस एक साथ एक ही बंदा स्प्लैश करके निकलो यार। इसने एक्टिवेट करा क्या? शॉट शॉट लिविंग। रुक जा अभी अंदर मत जाओ, अंदर मत जाओ। पहले उनको जान दो, पहले उनको जान दो। हां देखता है कोई किसी के एंड के अचीवमेंट आए। अरे उधर रहने दे केंडर चेस भाई, रहने दे। और एक बेड नहीं है हमारे पास। ओ हां शिट हो गया, मरना नहीं है। ओ भाई किस काम है तुम। ओ वेट कोई जा नहीं रहा अंदर, क्या करें फिर हम चले जाएं? रुक पहले पोशन कर दो। हम वेट कर रहे हैं दूसरे के जाने की। अरे एक काम करते हैं, सारे अंदर चलते हैं। क्या बात है, ओके रुक जा। अरे अभी स्प्लैश मत करो, स्लैश। अरे रुक जा अभी, रुक जा। ओके वो क्या गॉड, अरे कर। नहीं रुक जा। अब वो गए, रुक जा। मैं स्लैश कर देता हूं। रुक जा मैं कर दूंगा सबको, रुक जा उन्हें करने दो। इनविज भी करना है मुझे। हां तो रुक जा। हां रुक जा इनविज भी करने दो। एक सेकंड, अभी मत जाना, रुक जा। 4 मिनट का है मेरे पास। हां ठीक है, गैप कर लो, ट्रिपल गैप कर लो, ट्रिपल गैप। पर्ल हाथ में रखना, 1 2 1 2 3 आ जाओ।